सफर हमेशा वो नहीं रहता जो आपने सोचा होता है। ये कभी भी रंग बदल सकता है और आपके चेहरे की मुस्कुराहट उदासी में बदल सकता है, जो कि आज हमारे साथ हुआ, तो आखिर तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, क्वेटा से फोर्ट मुनीर तक सफर में खुश आमदीद। ये पार्ट टू है और इस वक्त हम मानी ख्वार डेरा इस्माइल खान पर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। इस वक्त सुबह के 10 बज चुके हैं और हमने तकरीबन 400 से 450 किलोमीटर तय करने हैं। हमारी कोशिश होगी कि शाम से पहले वहां पहुंचकर आपको फोर्ट मुनीर के खूबसूरत नज़ारे दिखाए जाएं, लेकिन आगे चीजें इतनी मुख्तलिफ हुई कि हम सब दंग रह गए। जो दोस्त ये भी लोग पहली मरतबा देख रहे हैं उनके लिए कुछ बातें। तो ये सफ़र क्वेटा से फोर्ट मुनीर के लिए कल शुरू हुआ था। कल 2 बजे हम लोग क्वेटा से निकले और फिर हम लोगों ने रात को सिलेजा जॉब में स्टे किया है। उसके बाद सुबह 8 बजे हम लोग वहाँ से निकले हैं और उसके बाद हम लोगों ने शेरानी में स्टे किया है। वहाँ पे एक खूबसूरत आबशार भी था और वहाँ पर हम लोगों ने हल्ला गुल्ला किया है। फिर वहाँ से हम लोग तकरीबन 10 बजे निकले हैं। उसके बाद ये जगह आता है मानी ख्वा, जो कि डेरा इस्माइल खान में वाकई है, इस वक्त आप देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर दिए गए कार्ड में या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं और उम्मीद करता हूं आप जरूर एंजॉय करेंगे। इस वक्त हम लोग दराबंद पहुंच चुके हैं और ये डेरा इस्माइल खान बस कुछ ही किलोमीटर्स के फासले में 50 से 55 लोग तो कह रहे हैं ये भी डेरा इस्माइल खान में आता है, मगर कंफर्म नहीं है। अभी जर्नी दोबारा स्टार्ट करेंगे, शदीद गर्मी, हम लोग तो अपने सुबह का कदर नहीं करते। क्वेटा तो वहाँ पे तो मौसम बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पर तो बहुत गर्मी है, इसीलिए तो ये मैंने उठाना पड़ा। वेरी हॉट वेदर। हम लोग डेरा गाजी खान पहुंच चुके हैं और इस वक्त शदीद गर्मी है। यहाँ पे सिर्फ गन्ने का रस पियेंगे और फिर फोर्ट मुनीर के लिए दोबारा अपनी जर्नी का आगाज़ करेंगे। शुक्रिया साथ रहने के लिए अभी तक।
तोनसा शरीफ और यहाँ पे हम लोगों ने होटल में स्टे किया है। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं एक लंबा चौड़ा पुल है, बहुत ही खूबसूरत। तो गर्मी ज़्यादा है मगर फिर भी सह लिया हम लोगों ने। फोर्ट मनरू की जानिब एक और कदम बढ़ाते हैं। इस वक्त हम लोग डेरा गाजी खान पहुंच चुके हैं, बाज़ार पहुंच चुके हैं। डेरा गाजी खान पहले पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें उठाएंगे। तो इस वक्त 5 बजने वाले, तो उम्मीद करते हैं कि मगरिब से पहले वहाँ पे पहुंच जाएं। फोर्ट मनरो लेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, क्योंकि सफ़र बहुत तवील होता जा रहा है और मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, एक कल का दिन था और एक आज का दिन, और इसके बाद मेरे पास कोई लीव नहीं है। तो तोनसा के इस पुल पे खड़े होके मैंने अपने सीनियर्स को कॉल मिलाया और रिक्वेस्ट की कि एक दिन का लीव मुझे दिया जाए, ताकि मैं अगले दिन इसको खूब एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊं और ख़ुद भी इंजॉय करूं। लेकिन अफसोस के साथ वहां से मुझे इनकार मिला और उन्होंने मुझे कोऑपरेट नहीं किया, जिस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। और अब मुझे किसी भी तरह से क्वेटा पहुंचना है ऑफिस के लिए सुबह, तो अभी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द फोर्ट मनरो पहुंचा जाए ताकि सुबह ऑफिस ज्वाइन कर सकूं। बस मैं दुआ ही कर सकता हूं कि अल्लाह मेरे सीनियर्स को हिदायत दे। और आप भी अगर कोई नसीहत करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स हाजिर है। तो इस वक्त सखी सर्वर पर शदीद ट्रैफिक जैम है और यहाँ पे एक अफसोसनाक वाकया हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ है। और ये है शाम के 6 बजे और यहाँ पे हमें टेंशन हो रही है कि किसी तरह ये ट्रैफिक बहाल हो जाए ताकि हम फोर्ट मनरो के लिए निकल सकें। यहाँ पर सखी सर्वर में एक नाखुशगवार वाकया रुनुमा हुआ है और यहाँ पे ट्रक के दरमियान एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। लोग सारे तकलीफ में, अल्लाह करे अभी ये लोग रोड क्लियर हो जाए ताकि लोगों के सफ़र में खलल ना पड़े और वो आसानी से जा सके। लोगों की गाड़ियाँ सारी रेत में धंसी हुई हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। यहाँ पे एक नाखुशगवार वाकया रुनुमा हुआ है सखी सर्वर पर और यहाँ पे माल बरदार गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है इसका।
यहाँ सरखी सर्वर पे शदीद अप्स और प्यास लग रही थी और यहाँ लोग जो है ना गाड़ियाँ रेत में उन्होंने दौड़ाई और जैसे उन्होंने रेत में दौड़ाई और वो वहाँ पे धंस गई तो लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि शाम के 7:15 पे हमारी ट्रैफिक बहाल हो चुकी है और इस वक्त हम लोग फोर्ट मुनरो के लिए अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शाम और अंधेरा होने से पहले वहाँ पहुँच जाए। यह है फोर्ट मुनरो और इस वक्त मैं अच्छी खासी हाइट पे हूँ। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इस वक्त हम फोर्ट मुनरो पर जलवागर हैं मगर अफसोस के साथ बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। मैंने पूरी कोशिश की कि खुद भी देखूं और आपको भी दिखाऊं मगर नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और आप जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सीनियर्स ने भी मुझे कोऑपरेट नहीं किया। मैं तो चाहता था कि एक रात का स्टे यहाँ करके नेक्स्ट डे इसको तसल्ली से एक्सप्लोर करके क्वेटा जाऊँ मगर मुमकिन नहीं हुआ। इसमें भी भलाई होगी हमारी। और आप लोगों का नहायत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने पार्ट वन और पार्ट टू दोनों देखा और उम्मीद करता हूँ कि आपने इंजॉय किया होगा। अगर आपने इंजॉय किया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया और वीडियो देखी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।